ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में था कैलसी वर्कशीट फॉर द फर्स्ट, दैट इज द क्लास रिजल्ट। क्लास रिजल्ट में आपको बोला गया था इन A1 इट इज रोल नंबर, B1 नेम्स, C1 इंग्लिश, D1 साइंस, मैथ्स, SST कंप्यूटर, और उसके बाद क्या था आपके पास, टोटल एंड एवरेज। सो टाइप रोल नंबर्स एंड नेम्स फॉर एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स, सो दैट मींस आप 10 स्टूडेंट्स का डेटा एंटर करेंगे, राइट? देन टाइप द मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100 आपने मार्क्स देने हैं, मतलब यहां से लेके इतना आपने आउट ऑफ 100 यू हैव टू गिव मार्क्स, यू कैन गिव एनी। ओके, फाइंड एंड डिस्प्ले टोटल मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट, ऑल्सो कैलकुलेट दी एवरेज ऑफ ईच स्टूडेंट। तो टोटल मार्क्स कैसे निकलेंगे यहाँ पे, हाउ यू विल कैलकुलेट हियर? इक्वल टू सम C2। ओके, चाहे तो आप ये लगा लो, ये भी करेक्ट है। You can use any one method for calculating the total and then you will use autofill for calculating rest of the students. So total marks aa jayenge. Now same way we have to calculate the average. So for calculating the average, equal to average, आपको average बोला गया कि percentage, same ही आएगा वैसे तो। आप चाहे फॉर्मूला लगा लो इक्वल टू एवरेज C2:G2 और यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द परसेंटेज। तो क्या आ रहा है आपका H2 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर, 5, तो इसी से भी एवरेज आ जाएगी। क्लियर? क्योंकि टोटल एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एंट्रीज, राइट? तो यहाँ पे देखो एवरेज का फॉर्मूला ये है, तो हम भी तो यही कर रहे हैं, टोटल करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। टोटल हमारा किस में पड़ा है, H2 में। वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड यूजिंग अ सम फंक्शन, सो देन टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट आर 5 सब्जेक्ट्स हो जाएगा। एवरेज इज क्लियर एंड द टोटल इज ऑल्सो क्लियर, फॉर्मूला क्लियर हो गया। जिनको नहीं पता चल रहा था नोट कर लो, जिन्होंने अभी काम करना है कैसे निकालोगे। No, the formula is, the function name is average. ये टेस्ट में भी मिस्टेक थी, मैंने तब भी बताया था AVG नहीं होता, the full function name is average. AVG will not give you the answer. Okay? उसके बाद आपको बोला गया find maximum and minimum marks in each subject. हर marks में हर subject के आप maximum और minimum निकालेंगे, तो मतलब 11 तक आपके क्या आ रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स का डेटा आ रहा है। इन द 12th रो व्हाट यू विल फाइंड, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, और ये हर सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअली निकलेगा। फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट यू हैव टू कैलकुलेट। अब जैसे सबसे पहले इंग्लिश, इंग्लिश का कैसे निकलेगा, इक्वल टू मेन, बताओ रेंज, 11, C2:C11। ओके, फॉर कैलकुलेटिंग द मिनिमम इक्वल टू मीन C2:C11। फॉर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश, राइट? सेम वे फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट यू विल कैलकुलेट। नाउ फॉर साइंस, आप
आई एम अज्यूमिंग जो मेरे मार्क्स हैं जो सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं दैट इज फ्रॉम 2 to 11, तब 2 to 11 तब भी 10 बच्चे बनेंगे, ठीक है. इक्वल टू मैथ्स D2: अब आप इसमें भी जरूरी नहीं है कि आप सबका इंडिविजुअली फॉर्मूला लगाओ, आप यहाँ पे भी ऑटोफिल करते तो हो जाना था. अब ऑटोफिल आपका हॉरिजॉन्टली लगेगा नॉट वर्टिकली, क्योंकि इस तरफ सेम जा रहा है ना. तो आपने इंग्लिश का लगा दिया C2: C11, इसको ऑटोफिल करो, सबका मिनिमम आ जाएगा टिल कंप्यूटर, टिल G कॉलम, ठीक है. सिमिलरली ऐसे मैक्सिमम एक जगह पे लगाओ, ऑटोफिल करो टुवर्ड्स राइट, तो जी तक लेके जाओ कंप्यूटर तक, आपके मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे. तो इस पूरी वर्कशीट में हमने क्या क्या फाइंड किया है, टोटल मार्क्स, देन वी कैलकुलेटेड एवरेज, एंड देन वी कैलकुलेटेड मिनिमम मैक्सिमम. उसके बाद आपको बोला गया था फॉर्मेट द एंटायर डेटा यूजिंग नेसेसरी फॉर्मेटिंग फीचर्स, वो सारा फॉर्मेटिंग पार्ट है, दैट इज इंस्ट्रक्शंस आर गिवन, वो तो हो जाएगा अपने आप राइट. नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड वर्कशीट, यहाँ पे किसी को कोई डाउट इन फर्स्ट वर्कशीट, सैटरडे इज द लास्ट डे फॉर सबमिशन, उसके बाद मैंने नहीं लेनी है क्योंकि रिविजन टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे उसके नेक्स्ट वीक. तो आई एम ऑलरेडी हैविंग सो मेनी ऑफ चेकिंग ऑफ डिफरेंट क्लासेस, ठीक है. तो हर क्लास का रिविजन टेस्ट होगा, उसके बीच में आप फाइल्स होगे, सो आई विल बी यूजिंग संडे फॉर चेकिंग योर रिपोर्ट फाइल्स. तो टिल सैटरडे यू हैव टू सबमिट मी मॉर्निंग में. ओके, सेकेंड वर्कशीट में इट वॉज गिवेन, टाइप दी हेडिंग, सो हेडिंग्स वर गिवन, A1 इज ई कोड, ई कोड मीन्स एम्प्लॉय कोड, एंड देन एम्प्लॉय नेम. बच्चे देन C1 इज बेसिक, नेक्स्ट TA दैट इज ट्रेवलिंग अलाउंस, DNS अलाउंस, प्रोविडेंट फंड PF, देन इज टोटल सैलरी एंड बोनस. चलो टाइप दी अबव डेटा फॉर 10 एम्प्लॉइज, तो अगेन 11 तक हमारा जाएगा, 10 एम्प्लॉइज का डेटा आपने एंटर कर लिया. कैलकुलेट एंड डिस्प्ले ट्रेवलिंग अलाउंस एज 10% ऑफ बेसिक सैलरी, ये आप निकाल रहे हो TA के अंदर. दैट मीन्स आपने जो इन्फॉर्मेशन है वो आप बेसिक सैलरी तक खुद फिल करोगे. दिस इज द प्री फिल्ड डेटा, बेसिक तक आप प्री फिल्ड डेटा फिल करोगे. अब यहाँ पे हमें निकालना है ट्रेवलिंग अलाउंस का, तो उसका फॉर्मूला इट्स गिवन, द फॉर्मूला इज 10% ऑफ बेसिक सैलरी. तो 10% को कैसे लिखेंगे, Either you can write the best ways to simplify the expression first. Otherwise, अगर आप फॉर्मूला में लिखोगे ना, I know तुम लोग ऐसे लिखोगे और ये कंप्यूटर में गलत है, ठीक है. तो इसको सिंप्लीफाई कर लो अगर आपको बॉड मास नहीं यूज करना है, तो 0.1 into बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस क्या आ रहा है, C2. तो दिस वे यूजिंग ऑटोफिल यू कैन कैलकुलेट द ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर ईच एम्प्लॉय. अगर आपको ये नहीं यूज करना, आपको प्रॉपर वे से चलना है, तो उसके लिए क्या आ रहा है, 10 / 100, तो ये इट विल गो इनसाइड द ब्रैकेट फर्स्ट, देन यू विल मल्टीप्लाई इट विद C2. अब एग्जाम में आप चाहे इसको सिंप्लीफाई करके ये दो चाहे ये दो, बोथ आर करेक्ट, लेकिन अगर आप कुछ इस तरह से दोगे तो नो मार्क्स इज टू बी गिवन, चाहे वो मैथमेटिकली करेक्ट है. वी विल नॉट फॉलो मैथमेटिकल रूल्स हियर, ओके. तो हमने अपनी लैंग्वेज को ही फॉलो करना है, आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो अगर आपको कोई डाउट लगता है, अदरवाइज फिर प्रॉपर बैड मार्क्स के अकॉर्डिंगली दो, क्योंकि पहले ब्रैकेट्स एग्जीक्यूट होंगी तभी, अदरवाइज ये पहले ही अगर ये मल्टीप्लाई हो जाता है तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि लेफ्ट टू राइट प्रायोरिटी होती है. मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन इज ऑन द सेम लेवल, थर्ड लेवल पे इसकी प्रायोरिटी है, सेम लेवल पे है, बट वो चलता कैसे है, लेफ्ट टू राइट, ओके. तो लेफ्ट टू राइट में पहले डिवाइड चलना चाहिए, तो उसको चलाने के लिए वी हैव टू पुट ब्रैकेट्स, ओके. अदरवाइज वे सिंप्लीफाई कर लो नहीं तो फिर, ओके. उसके बाद गिवन है कैलकुलेट
यस डीए एज 20% ऑफ बेसिक एम्प्लॉय बेसिक सैलरी, तो यहाँ पे अब क्या आएगा डीए कैसे निकालोगे, 20% आपको गिवन है, 20% गिवन है, तो 20/100 हो गया, दिस इज बीइंग कट, तो क्या आएगा 0.2 इंटू सी टू, अदरवाइज आप और क्या कर सकते हैं 20 फिल हैंडल किया सारे एम्प्लॉइज का डीए निकल जाएगा। देन इज प्रोविडेंट फंड इज 1200 फॉर ईच एम्प्लॉय, तो ये सबका ही 1200 है, आपने यहाँ पे डेटा अपनी तरफ से प्रीफिल कर लेना है 1200, डन। देन फाइंड द टोटल सैलरी एज द फॉर्मूला इज गिवन, बेसिक प्लस टीए प्लस डीए माइनस पीएफ, सो दिस इज गिवन, सो यू हैव टू यूज नाउ द फंक्शन हेयर, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, बेसिक इज इन सी टू, ये मैं अभी फर्स्ट वाले का बता रही हूँ, इन दी सेल जी टू पे क्या फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि बाकी तो आप सारा ऑटोफिल से निकाल ही लोगे, G2 इक्वल टू C2 प्लस D2 प्लस E2। अब चलो मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करती, अभी अब सिंपल वे से चलो, अज्यूमिंग कि आपने प्रोविडेंट फंड 1200 हर सेल के अंदर डाला हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो रिलेटिव रेफरेंसिंग उठा लेगा, तो C2 प्लस D2 प्लस E2 माइनस PF, दैट इज माइनस F2। अब आप यहाँ पे ये भी ट्रिक यूज कर सकते थे कि इंस्टेड ऑफ टाइपिंग 1200 इन ईच सेल, आप एक ही जगह पे रखते, उसको बना दो एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट की वैल्यू तो सेल एड्रेस ऑटोफिल के टाइम पे चेंज नहीं होना था, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते थे $F$2, तो उसने उसी सेल को ही रेफर करना था बार बार, अदरवाइज अगर आप रिलेटिव के अकॉर्डिंगली चल रहे हो तो उसके लिए फिर आपको 1200 फॉर ईच एंट्री यू हैव टू फिल, तो फिर वहां पे ऑटोमेटिकली F2 का क्या हो जाना था F3 F4 F5, तो दैट इज अप टू यू हाउ यू वांट टू डू दिस, चाहे आप उस पे एब्सोल्यूट बना के करो, एब्सोल्यूट बना रहे हो तो फिर एक ही सेल में डेटा डालेंगे, रिलेटिव से करने हैं तो फिर सबके अंदर 1200 कॉपी कर दो, क्लियर हो गया ना, ओके। उसके बाद क्या गिवन है, बोनस का टोटल सैलरी कैसे निकली, ये क्लियर हो गया, सो दिस इज फॉर द सेल G2 एंड रेस्ट ऑफ द सेल्स विल बी कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली। नाउ कैलकुलेट एंड डिस्प्ले बोनस ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन क्राइटेरिया, इफ टोटल सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000, अगर आपकी टोटल सैलरी मोर देन 20,000, तो ये टोटल सैलरी मतलब G2 वाला सेल, then bonus is 15%, otherwise the bonus is 10% of total salary, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है net salary in the cell G13, क्यों आप कैलकुलेट कर रहे हो यहाँ पे 0.5, हाँ तो वही आएगा, आपने इसको कैलकुलेट जो करना है, दिस इज अ कैलकुलेशन पार्ट ना, वो तो स्ट्रिंग बन गया, वो तो आप काउंटिव वाली रेंज में चले गए हो, हमें काउंट थोड़ा करना है, हमें तो कैलकुलेट करना है यहाँ पे। आप देखो अगर तो टोटल सैलरी इतनी है तो 15% देना है हमें टोटल सैलरी का, नो बच्चे यहाँ पे हम थ्रेटिकली नहीं कर रहे, हम प्रैक्टिकली सॉल्व कर रहे हैं, आपको ट्रू फॉल्स नहीं बताना है यहाँ पे, आपको सिंपल इतना बताना था कि अगर यहाँ पे बोनस कैसे कैलकुलेट होगा उसकी आपको कंडीशन गिवन है, तो यहाँ पे क्या लगना था अब बताओ, टीएस क्या है टोटल सैलरी, दैट इज इन द सेल G2, इफ G2 इज ग्रेटर देन 20,000 देन 15% ऑफ 0.15 इंटू G2, अदरवाइज अगर ये नहीं है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर क्या करे 0.1 इंटू G2, ये फॉर्मूला ना, हमें ट्रू फॉल्स नहीं निकालना है यहाँ पे, हमें कैलकुलेट करना है,
नो वी हैव टू कैलकुलेट इट, आप वो वाले एक पेज चेंज कर लेना बीच में, ठीक है? नो वो बच्चे जब हम काउंट कर रहे हैं, जब हम रेंज दे रहे हैं तब यूज करेंगे। आपकी बातें खत्म हो जाएंगी? आपने ही बोला कि फाइल का काम समझा दो, क्या पूछ रहे हैं आपसे कब से? सो कंडीशन इज क्लियर, क्वेश्चन में गिवन है कि अगर टोटल सैलरी ग्रेटर देन 20,000 है तो आपका बोनस कैसे कैलकुलेट होगा? 15% ऑफ टोटल सैलरी, अदरवाइज द बोनस इज 10% ऑफ टोटल सैलरी। तो इफ G2 इज ग्रेटर देन 20,000, नाउ व्हाई आई एम रेफरिंग अ G2 हियर, बिकॉज़ G2 कंटेन्स द टोटल सैलरी, ठीक है? तो G2 में टोटल सैलरी पड़ी है, अगर वो 20,000 से ज्यादा है तो उसको 15% ऑफ टोटल सैलरी मिल जाएगा, अदरवाइज द एम्प्लॉयर इज गेटिंग 10% ऑफ द। अब जब सारा आपने ये कैलकुलेट कर लिया, ये आपका ऑटोफिल से सारा निकल गया टोटल सैलरी का, लास्ट पे आप क्या निकालेंगे? नेट सैलरी। सो हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस? कैसे निकलेगा? इक्वल टू सम, दिस विल बी योर नेट सैलरी फॉर ऑल द एम्प्लॉयज। यहाँ पे तो इंडिविजुअल सैलरी आ रहा है ना, इंडिविजुअल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। Here we are calculating the net salary that is to be paid by the firm to all the employees. Okay, the worksheet is clear. हो जाएगी अब report file. कल की एक छुट्टी है तो you can utilize your time on this. और hard copy ही submit करनी है, जो absent है उनको भी बता देना, ठीक है? चलो एक और question करते हैं। And yes, Saturday, बच्चे, you are having a test also. Worksheet based question only. मैं सिर्फ worksheet based question डालूंगी, यही वाले जो भी हम कर रहे हैं ये worksheet है। तो वो question किस तरह से आएगा उसका एक sample आपको दे रही हूं, so note down that. जल्दी से बनाओ साइड बाय साइड। आपसे स्टार्ट करूंगी मैं, यू विल टेल मी द आंसर्स। बनाओ इसको, टेस्ट में ऐसी ही वर्कशीट डालूंगी मैं, ठीक है? टेस्ट ऑन सैटरडे। Who is whispering?
बन गई वैट एट द रेट 10.5% टोटल एंड नेट बिल. चलो लेट स्टार्ट. वैट एट द रेट 10.5% और इस क्वेश्चन पे आगे स्टार डाल लो. सिमिलरली एम्प्लॉय वाला भी ये बना हुआ आएगा. क्वेश्चंस आएंगे कॉम्प्रिहेंशन टाइप, तो आपने वो सॉल्व करने 5 to 6 क्वेश्चंस वर्ड दे. बोलूं क्वेश्चंस? कॉफी मिल गई आपको? मेरे पास तो कोई नहीं, सारी दे दी मैंने. आई हैव सेंट ऑल. मेरे पास कोई नहीं है. असाइनमेंट सिर्फ 6C की पड़ी है मेरे पास, बाकी सारी भेज दी है. वैट एट द रेट 10.5%. चलो फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, टू कैलकुलेट द प्राइस, थोड़ा जल्दी करो, ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट. टू कैलकुलेट द प्राइस, अब 5 मिनट रह गया तो देव को अभी आ रहा है क्लास में. टू कैलकुलेट द प्राइस विच इज क्वांटिटी इंटू रेट, विच इज क्वांटिटी इंटू रेट. स्टैंड अप यू, कम हियर. टू कैलकुलेट प्राइस विच इज क्वांटिटी इंटू रेट एंड डिस्प्ले इन द सेल D2. D2 में एक निकालेंगे तो बाकी तो अपने आप आ ही जाएंगे, ठीक है? तो आपको सिर्फ D2 का एक ही का ही बताना है. टू कैलकुलेट द प्राइस, उसके लिए आपको फॉर्मूला गिवन है विच इज क्वांटिटी इंटू रेट. तो बताओ क्या आएगा? क्लियर? फर्स्ट आंसर इज क्लियर? आपको सिर्फ फॉर्मूला या फंक्शंस ही बताने होते हैं. अगर आउटपुट पूछा जाएगा तो आउटपुट बताओगे. दो तो सेल है, दो को तो सीधा ही मल्टीप्लाई कर दो, रेंज थोड़ा बनाओगे अब इसकी. ओनली 2 सेल्स आर देयर ना. चलो, टू डिस्प्ले द मैक्सिमम प्राइस इन द सेल D7. मैक्सिमम प्राइस इन द सेल D7. उस समझ लो, टेस्ट में ब्लैंक हो जाते हो फिर. मैक्सिमम प्राइस कैसे निकलेगा बताओ? मैक्सिमम किसका निकालना है? इसका निकालना है, यहाँ पे निकालना है. तो क्या लगाओगे? हाँ, आगे प्लस करके मैक्सिमम आता है. मैक्सिमम निकालने के लिए फंक्शन कौन सा यूज होता है? स्टैंड अप. मैक्सिमम के लिए फंक्शन का क्या नेम है? 3 टेस्ट हो गए हैं कैलसी के. हाँ जी, मैक्सिमम के लिए फंक्शन नेम क्या? 100 इक्वल टू मैक्स D2 से लेके ये करोगे तभी मैक्सिमम आएगा, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन, टू कैलकुलेट द डिस्काउंट विच इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया. टू कैलकुलेट डिस्काउंट विच इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया, इफ प्राइस इज मोर देन 2500, इफ प्राइस इज मोर देन 2500, डिस्काउंट इज 20%
ऑफ प्राइस, अदरवाइज डिस्काउंट इज 15% ऑफ प्राइस. तो अभी हम डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे यू हैव टू अप्लाई सम फॉर्मूला. क्या आएगा सार्थक? जो एम्प्लॉय वाले में किया सेम है. आपको यहाँ पे डिस्काउंट निकालने है. डिस्काउंट निकालने की कंडीशन है, अगर तो प्राइस 2500 से एक्सीड कर रहे हैं तो डिस्काउंट 20% मिलेगा, अदरवाइज डिस्काउंट 15% मिलेगा प्राइस पे. सबसे पहले क्या लगाओगे? पढ़ना ही नहीं है हमने, सोचा हुआ है, जितने मर्जी हम चांसेस दे दें. सेम क्वेश्चन 2 मिनट पहले हुआ है क्लास में, हुआ है. आपको कंडीशन चेक करनी है, कंडीशन के लिए क्या लगाते हैं, कौन सा फंक्शन लगाते हैं कंडीशन के लिए? इफ लगाते हैं. तो बोलो इक्वल टू इफ. क्या चेक करना है, क्या चेक करना है? प्राइस. प्राइस का सेल एड्रेस क्या है? प्राइस किस सेल में पड़ा है? बच्चे आप उसको करने दोगे? अभी बता के आप उसको हेल्प कर दोगे? उसको समझ कुछ नहीं आएगा, उसको समझने दो. एग्जाम में उसने खुद ही अटेम्प्ट करने आंसर्स, आपने नहीं वहां बताने. प्राइस करना है तो प्राइस का सेल बताओ. डी टू किसके ग्रेटर हो? अगर है तो 20% ऑफ प्राइस. 20% को कैसे लिखते हैं? 20 डिवाइड बाय 100 करोगे तो क्या आएगा? 0.2 ऑफ प्राइस. प्राइस का क्या है? D2. अदरवाइज क्लियर साइमन? नेक्स्ट इज टू कैलकुलेट द अमाउंट एज, टू कैलकुलेट अमाउंट एज प्राइस माइनस डिस्काउंट. यहां पे अमाउंट निकालने के लिए प्राइस माइनस डिस्काउंट तो क्या लगेगा? प्राइस का क्या है? माइनस डिस्काउंट. डिस्काउंट किसमें पड़ा है? E2. प्राइस माइनस डिस्काउंट. टू फाइंड द सम ऑफ अमाउंट इन द सेल F8, यहां पे आपको टोटल निकालना है. टोटल टू फाइंड द टोटल सम ऑफ अमाउंट. वेट बच्चे वेट. सम ऑफ अमाउंट. नेक्स्ट इज वैट इज टू बी कैलकुलेटेड. टोटल अमाउंट, जो वैट है वो आप टोटल अमाउंट पे निकालोगे. कैसे निकलेगा? वैट कैलकुलेट करो टोटल अमाउंट पे. टोटल अमाउंट यहां पे निकाला तो 10.5% ऑफ टोटल अमाउंट किस पे पड़ा है? F7 पे. वैट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल अमाउंट. टोटल अमाउंट इज इन सेल F7. वैट का परसेंटेज आपको गिवन है क्वेश्चन में 10.5%. क्लियर हो गया? लास्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड द नेट बिल एज टोटल प्लस वैट. नेट बिल एज टोटल प्लस वैट. तो टोटल किसमें पड़ा है? F7 प्लस F8. अगर आपको ये क्वेश्चंस चाहिए सैंपल पेपर वाले, कोई एक जिना मेरे से लेके फोटोकॉपी करा के सर्कुलेट कर देना. और शुड आई सेंड अ PDF इन द ग्रुप?